गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है आज की नई वीडियो में, जेके शोज में। नाउ आज मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो क्या थी? मरियम ऐप यूज़ करी थी, चार्ली चैली यूज़ करी थी। मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैं डिटेक्टिव घोस्ट भी यूज़ करूँगी, बट मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मैंने मैंने नहीं करा, मैं कहा डिस्कस्टिंग भाई मैं नहीं कर रही। और क्योंकि मुझे उस टाइम मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, आज मैं अकेली हूँ। देख लो मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ डिटेक्टिव घोस्ट। एंड उससे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपको पता नहीं क्या करना है, बस सब्सक्राइब बटन ठोक दो। और हाँ, अगर ऐसी वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नाउ वी स्टार्ट। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होता है, मुझे कोई मिलता है, बिकॉज ऑफ ये ऐप है। नाउ वी ओपन, बट उससे पहले मेरे चैनल को लगे सब्सक्राइब कर देना। हाँ, तो मुझे एक मैसेज मिला, केयरफुल इफ यू आर वेरी सेंसिटिव और स्कैरी पर्सन। ओके, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ है। नाउ हम जिस कमरे में भी खड़े हैं उसी कमरे से स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरा सेट कर, आप लोग भी देखना। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। इधर हिला, कोई है? कोई दिखा नहीं मुझे। गाइस हम आगे चलते हैं क्योंकि अब हमने आगे वाले कमरे भी देख करने हैं ना, तो मतलब इसी कमरे में थोड़ा नाटक करेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कोई तो नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, बट ये भाई देखने वाली बात है कि कुछ है ही नहीं। हेलो, लेट्स सी ये एरिया, मेरे को तो कुछ ना दिखाया। मैं यहाँ चेक करती हूँ, ठीक है? कुछ तो हुआ, बट क्या हुआ वो नहीं पता। गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस करी, बीच में एक डॉट आ रही है, आप पता नहीं कहाँ की, मेरे हिसाब से बीच में, मतलब कि बीच में कहीं पर, जहाँ मैं अभी बीच में वहाँ खड़ी थी अपने कॉरिडोर में, वहाँ पर कुछ था। बिकॉज ऑफ ये क्यों हिलेगा, मैं तो समझ नहीं आ रही ये क्यों हिलेगा। और ये हिला भाई यही बीच एरिया में आके, जब मैं यहाँ खड़ी थी, जब मैं शीशे में आपसे बात कर रही थी भाई शीशा देखो ये वो, भाई मुझे नहीं पता क्योंकि अचानक से हुआ क्या, आई डोंट नो। कमरा बड़े स्पूकी है। अब किस एरिया में है भूत भाई? पोपट हो रहा है अभी, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा यार। पता नहीं, अरे अब हम यहाँ चेक करते हैं क्योंकि अब मंदिर है, तो शायद मंदिर में तो यार कुछ नहीं होना चाहिए यार। लेट्स सी ये रूम में, मैंने अब चेक करती हूँ क्योंकि मुझे इस रूम में तो कभी कभार अजीब अजीब आवाजें आती हैं। पता नहीं हुआ क्या। गाइस मैंने आपके सामने खोला है, मुझे एक बार कुछ ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा था, बट अब मुझे नहीं पता कि क्या था। बट हाँ मैंने अभी ट्राई करा, अब मैं एक बार स्टेडियम में जाके चेक करूँगी, उसके बाद मैं नहीं करने वाली क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड भाई मैं कुछ भी करने की कोशिश करूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब नहीं भाई मेरे पीछे सिस्टम जो, अरे मतलब वो गोल चक्कर में जो रेड डॉट आ रही है वो क्या है पता नहीं, यहाँ कॉरिडोर का दिखा रहा है। नो, यहाँ कोई भी नहीं है। एंड मैं अब सीढ़ियों में खड़ी हूँ, तो मतलब कि मैंने अब लास्ट देखो, मैंने जितना भी ट्राई करा मुझे वहाँ पर सिर्फ एक बार मिला जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो मैं जिस कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और मैंने एक चीज़ तो देखी थी बट क्या था कुछ नहीं पता। सो मैं घुमा रही हूँ, तो आप लोग देखो कि क्या है इसमें, ठीक है? एरिया में है क्या कोई? बंद हो जाता है एक तो,
तुम्हें गूगल हंसाता है? यहाँ मुझे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि कोई है ही नहीं। सो एक बार यहाँ दोबारा चेक करते हैं। मेरे पास में खड़ा है क्या? सो गाइस आपने देखा ये सब फालतू की ट्रेंडिंग कर रहा था और मतलब कुछ भी नहीं था, मेरे को कुछ नहीं मिला। और मेरे को हाँ मेरे को ये था कि मेरे को समझ नहीं आया जब मैं वो बीच वाले कमरे में कॉरिडोर से गई, क्या था वहाँ, क्या हुआ, मुझे खुद को समझ नहीं आया। क्योंकि वो एरिया अगर मैं वीडियो देखूँगी ना बाद में डालने के बाद यूट्यूब पर, उसके बाद मैं जानूँगी कि भाई मैंने देखा क्या था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भाई हुआ क्या मेरे साथ। अब फिर मैं यही कह सकती हूँ कि ये सब बकवास है। मतलब यार मुझे तो कुछ नहीं मिला एंड सो मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। सो आई डिलीट दिस ऐप एंड मुझे उस टाइम समझ नहीं आया क्योंकि जब मैं कॉरिडोर में खड़ी थी एंड मैं शीशे में देख रही उस टाइम वो ट्यू ट्यू करने लग गया क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे कॉरिडोर में भूत है भाई। कमरे में कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद तुम देख लो। अब मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ये ऐप फेक है। अब तुम भाई मैंने बाकी यूट्यूबर्स को भी देखा है, मुझे वहाँ कसम से ये समझ नहीं आता कि कुछ है ही नहीं जब, तो उस चीज़ का इतना बतंगड़ क्यों बनता है उस बात का। एंड मेरे को अब ये है कि छोड़ो यार कुछ भी हो, मतलब कि ठीक है।